गर्भवती हाथनी। कुछ दिनों पहले की बात है, एक हाथनी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। हाथनी के पेट में बच्चा था जो कुछ ही महीनों में जन्म लेने वाला था। 4 दिन से हाथनी जंगल में भूखी थी। गर्भ के दौरान अधिक भूख लगने के कारण वो खाने की खोज में जंगल से एक गांव में आ गई। गांव में रास्ते पर एक अनानास पड़ा हुआ मिला। भूखी होने के कारण उसे जो खाना मिला उसे देखकर वो खुश हो गई और झट से हाथनी ने अनानास खा लिया। जैसे ही हाथनी ने अनानास खाना शुरू किया, अचानक से उसके मुंह में अनानास फट गया और इस वजह से बिचारी गर्भवती हाथनी का मुंह जल गया और दर्द के मारे वो चिल्ला रही थी, दर्द से तड़प रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे क्या मालूम, जिस अनानास को वो अपना पेट भरने के लिए खा रही थी वो पटाखों से भरा हुआ था, जिसे किसी इंसान ने जंगली जानवरों को अपने खेत से भगाने के लिए रख दिया था। पर उस बेचारी हाथनी को क्या पता कि कोई अनानास में भी बारूद से भरे खतरनाक पटाखे रख सकता है। वो तो भूख की वजह से उसे देखते ही खा गई और इसी वजह से हाथनी का पूरा मुंह जल गया और वह दर्द के मारे पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। वो चाहती तो दर्द के मारे गुस्से से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो बस अपने जले हुए मुंह के दर्द से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा मुंह जल जाने की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी और खाना ना मिलने के कारण से वो कमज़ोर हो गई और अपने पेट में जो बच्चा है उसे भी कुछ नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से वो बेचैन हो गई। गांव के लोग उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो मुंह जलने के कारण वो कुछ खा नहीं पा रही थी और उसके जख्मी हुए मुंह पर मक्खियाँ बैठकर उसे परेशान कर रही थी। बेचारी हाथनी करती भी तो क्या, उसे भूख और अपने पेट में के बच्चे की चिंता सताए जा रही थी। आखिरकार वो दर्द से राहत पाने के लिए पानी में चली गई। उसे लगा शायद पानी में कुछ राहत मिल जाए और लगातार 3-4 दिनों तक वो पानी में ही बैठी रही। फिर कुछ लोगों ने 2 हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद दूसरे हाथियों को देखकर वो पानी से बाहर निकल आए और बच सके। लेकिन हाथनी जानती थी कि अब वो नहीं बचेगी। वो जान गई थी कि उसका मरना तय है, लेकिन वो जीना चाहती थी, खुद के लिए नहीं, अपने पेट में के बच्चे के लिए। शायद ही ऐसी कोई माँ होगी जिस पर ऐसी नौबत आई होगी। बेचारी हाथनी ने स्वेच्छा से जल समाधि ले ली, ये जानते हुए भी कि उसके पेट में एक बच्चा है जिसे वो इस दुनिया में लाना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। उसी वक्त हाथनी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर उन हाथियों के आंखों में आंसू आ गए। शायद एक बेजुबा का दर्द एक बेजुबा ही समझ सकता हो। एक इंसान के गलती की सजा बेचारी गर्भवती हाथनी और उसके बच्चे को मिली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। एक तरफ जिसे हम गणेश जी का स्वरूप मानकर उसे पूजते हैं, वही दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए उसी गणेश स्वरूप हाथी के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? इंसान ये क्यों भूल गया कि वो एक माँ भी थी? शायद ही ये बात उसे पता ना हो, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ पाया कि वो भी एक बेजुबा जानवर है, उसमें भी जान है। इंसानों की ऐसी हरकतों को देखकर लगता है आए दिन ये जो हम आपदाएं झेल रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों के ही फल है। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि शायद वो ये बात भूल चुका है कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है उतना ही हक इस दुनिया के हर पशु प्राणियों और आदि जीवों का भी है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ये समझना होगा, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब इस सृष्टि का एक हिस्सा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।